एप्लीकेशन में हम करेंगे सीआरओ यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सो इससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो मैं आपको नोट करवाऊंगा, और ये बेसिकली क्या होता है इसमें वो सारी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। और ये आपका एसएससी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। किसी भी अगर एग्जाम के लिए देख लो जूनियर इंजीनियर के, इससे आपको क्वेश्चन बहुत आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखना, आपको उसके बाद सीआरओ में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सीआरओ अगर देखो रियल लाइफ में अगर देखते हो प्रैक्टिकली तो ये इस तरह का दिखता है सीआरओ, ठीक है। इसमें देखो ये आपकी होती है स्क्रीन, ठीक है, जिसको जिस पर आपको बेसिकली जो वेवफॉर्म होती है ना वो दिखती है, ठीक है। इस यहाँ पे दिख रहे हैं ब्लॉक्स दिख रहे होंगे, ठीक है। जो ब्लॉक है ना ये एक, इनको हम बोलते हैं डिविजन्स। अब देखो ये जो डायलर है ये आपका होता है वोल्ट पर डिविजन, ये भी वोल्ट पर डिविजन, यानी एक डिविजन आपका कितने वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है ये आपका डिसाइड करता है, ठीक है। इससे हम कम मतलब बढ़ा भी सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आगे आपके काम आएगी, जब थ्योरी पढ़ोगे ना तो उसको फिर इससे रिलेट कर पाओगे, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा और ज्यादा देर तक वो चीजें याद रहेगी, क्लियर है। इसमें देखो कुछ पोजिशन की भी होती है, ठीक है। एक आपकी अगर ऐसे देखें तो हॉरिजेंटल की होती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और एक होती है आपका वर्टिकल का होता है, ठीक है, उसमें देख लो ये वाला होता है। तो बेसिकली इसमें पोजिशन का क्या सीन है कि एक सेकेंड, इसमें ये नहीं ये वाला होगा, ठीक है ना। पोजीशन मतलब क्या होता है, सपोज देखो ये कोई ऐसे कोई वेव फॉर्म है, ठीक है। अब पोजीशन का मतलब इसको लेफ्ट साइड घुमा रहा है या फिर राइट साइड इसको भेज रहे हो, ठीक है, या फिर ऊपर भेज रहे हो या फिर नीचे भेज रहे हो, ये पोजीशन भी आपकी डिसाइड होती है, ठीक है, इन बटन से। ये आपका बेसिक समझ गया, देखो ये प्रैक्टिकल है। अब देखो थ्योरेटिकल आप जब पढ़ोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलो देखते हैं। सो देखो सीआरओ पहले तो क्या होता है ये समझते हैं। देखो सीआरओ एक आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है जो आपका देखो वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है, करंट को मेजर करता है, टाइम पीरियड को मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, फेज डिफरेंस को मेजर करता है या फिर फेज शिफ्ट को, ठीक है। ये चीज भी आपको पूछी जाती है कि सीआरओ किस किस चीज को मेजर करता है, क्लियर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने बोल तो दिया कि वोल्टेज को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, बट मेजर कैसे करता है। तो देखो एक बार ये चीज भी अच्छे से समझ लो, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। देखो अब ये जो इसमें ये एक आपको दिख रहा है डब्बा टाइप में, ये आपका होता है एक डिवीजन, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि हम ये वोल्ट पर डिवीजन हम निकालते हैं, ठीक है। सपोज आपने वो डायलर था उसे घुमा के आपने फाइंड किया कि ये आपका डिवीजन है 2 वोल्ट पर डिवीजन, ठीक है, यानी एक डिवीजन में कितने 2 वोल्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वेव फॉर्म है आपकी साइनसॉइडल वाली, ये कितने डिवीजन में आ रही है कंप्लीट, आप देख सकते हो। ये आपका ये इतना देखो, ये जो सेकंड वाला ये आपका कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा है। तो मान लीजिए ये आपका यहाँ पर ये जो पॉइंट ना ये आपका मान लीजिए यहाँ से चालू है 0 1 और ये आपका मान लीजिए 1.8 सॉरी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो अगर वोल्ट देखते हो तो ये 2 वोल्ट हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 1.8। तो इसके अकॉर्डिंग आप जब निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 3.8 वोल्ट, यानी ये जो साइनसॉइडल वेव इसमें दे रखी है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 3.8 वोल्ट। ऐसे आप वोल्टेज निकाल सकते हो। अगर आपको वोल्टेज निकल गया तो सिंपल आप ऐसे फुल वेव का जो टाइम पीरियड है वो निकाल सकते हो, टाइम पीरियड से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, क्लियर है। और सिंपल वेव फॉर्म को देखकर आप उसका जो फेज शिफ्ट है यानी फेज डिफरेंस है वो भी निकाल सकते हो, क्लियर है। तो इजीली आप ऐसे निकालते हो प्रैक्टिकली, क्लियर है। तो आगे देखते हैं। सो देखो सबसे पहले सीआरओ का जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्लाइड होगी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लो, सारे क्वेश्चन आपको यही से पूछे जाएंगे। सो देखो जब सीआरओ देखते हो तो उसकी जो मैंने आपको देखो स्क्रीन बताई थी ना जो आपको दिख रही थी ग्रीन ग्रीन कलर की, ठीक है, उसके अंदर ये कैथोड रे ट्यूब होती है, ये बेसिकली आपकी ट्यूब है, ठीक है ना। तो ये आपकी है ग्रीन स्क्रीन, जो स्क्रीन आपको दिख रही थी। अब ये जो स्क्रीन है ना, ये जो देखो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, इसको हम कोटेड रखते हैं यानी इस पे कोटिंग करते हैं फॉस्फोरस की, ठीक है ना। तो फॉस्फोरस कोटिंग अब क्यों करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो सो देखो इसका सिंपल ये जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब का देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे आपकी होती है देखो इलेक्ट्रॉन गन जो कि कुछ इस तरह की दिखती है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। इसमें देखो एक हीटर लगा होता है, यहाँ पर हीटर है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। सो देखो अब यहाँ पे देखो मैं साथ साथ में लिखवा भी चलता हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वो चीज आप नोट करते जाओ बिकॉज ये आपके लिए यही चीज आपको पूछी जाती है, ठीक है। ये आपकी होती है इलेक्ट्रॉन गन,
यहाँ से आप एक चीज तो समझ गए कि सीआरओ में एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, ठीक है, और एक हीटर भी लग रखा होता है, ये हीटर है, ठीक है ना, ये हीटर। अब इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनको फायर करता है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको ये आपके कैथोड ग्रिड, कैथोड ग्रिड। आपको ये पूछा जाता है कि जो कैथोड ग्रिड होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये आपकी होती है निकल, ठीक है। और इसमें सप्लाई कौन सी देते हो आप, नेगेटिव, ये भी आपको पूछा जाता है, तो नेगेटिव सप्लाई देते हो, ठीक है, कैथोड ग्रिड में। अब देखो यहां से आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन गन ने इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया, यानी कि ये आपका इलेक्ट्रॉन्स फायर हो रहे, ठीक है, कुछ इस तरह, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स फायर हो रहे हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन गन फायर कर रहा है, ठीक है। हीटर बेसिकली उनके जो उनके अंदर बेसिकली हीट एनर्जी जो होती है वो इन पे डेवलप करता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो वेव दिख रही है आपको, ये डायरेक्ट जो ये कोटिंग है फॉस्फोरस की, इस पे जाके हिट करती है, और जैसे इन पे हिट करती है आपकी स्क्रीन पे वेव फॉर्म शो होती है, ये एकदम बेसिक मतलब, ठीक है। तो इसमें देखो सीआरओ में क्या होता है कि यहाँ पे प्लेट्स होती है डिफरेंट डिफरेंट। सो देखो ये आपकी फर्स्ट प्लेट, क्लियर है, ये आपकी सेकंड प्लेट, ये आपकी थर्ड प्लेट, एंड ये आपकी फोर्थ प्लेट, ठीक है, एंड ये आपकी हो जाएगी फाइनल जो लास्ट प्लेट है वॉली। ये देखो ये कुछ इस टाइप की होती है, ये आपकी फाइनल प्लेट, ठीक है। अब इनके जो प्लेट्स के जो नाम है ना वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन प्लेट्स में सप्लाई देते हैं हम, ठीक है, इन सब में। तो देखो बेसिकली एक रेजिस्टेंस के थ्रू सप्लाई ली जाती है इनकी, ठीक है, ये आपका होता है वी ए, क्लियर है। अब देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब देखो जो फर्स्ट प्लेट है इसका नाम क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये सब नाम जो है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट का नाम होता है प्री एसिलरेटिंग, यानी प्री एसिलरेटिंग प्लेट, यानी कि जो आपका देखो जो इलेक्ट्रॉन गन जो इलेक्ट्रॉन्स को फायर करता है उनको एसिलरेट करता है, यानी उनकी स्पीड स्पीड जो होती है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये होगी प्री एसिलरेटिंग। अब ये आता है सेकेंड प्लेट, फोकसिंग प्लेट, फोकसिंग प्लेट, ठीक है। अब देखो जैसे आपने स्पीड बढ़ाई, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कहीं पे भी हिट कर सकते हैं ना, रैंडमली कहीं पे भी मूव हो सकते हैं, तो फोकसिंग प्लेट क्या करती है, उनको एक ऐसे सिंपल स्ट्रेट लाइन में फोकस करवाती है उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ये आपका फोकसिंग प्लेट का काम होता है। अब देखो इसके बाद आती है आपकी एक्सेलरेटिंग प्लेट, एक्सेलरेटिंग प्लेट, यानी कि अब देखो फोकसिंग प्लेट ने आपके जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव हो रहे थे उनको फोकस तो कर दिया, और फिर फोकस करने के बाद उनको हम वापस एक्सेलरेट करते हैं एक्सेलरेटिंग प्लेट की मदद से, क्लियर है। अब देखो ये जो फोर्थ प्लेट है ये आपकी होती है हॉरिजेंटल प्लेट, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, डिफ्लेक्टिंग प्लेट, क्लियर है। एंड ये लास्ट आपकी जो फिफ्थ वाली है ये आपकी होती है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, नाम से तो आप समझ ही रहेंगे, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, क्लियर है। तो देखो आपको पूछा क्या क्या जाता है कि ये जो फोकसिंग प्लेट है, ठीक है, ये किस किस के बीच में लग रहती है, इनकी मतलब पोजीशन से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्लियर है। तो इनकी पोजीशंस भी आपको एग्जैक्टली ऐसे याद रखनी है कि पहले प्री एक्सेलरेटिंग आती है, फिर फोकसिंग आती है, फिर एक्सेलरेटिंग, फिर हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल। तो आपको ये चीज भी याद होनी चाहिए कि पहले कौन सी होती आती है और बाद में कौन सी आती है, क्लियर है। अब देखो जो आपकी हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, यहाँ पे आप जो सप्लाई देते हो ना, ये भी आपको पूछता है कि हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में आप जो सप्लाई देते हो वो कौन सी देते हो, ठीक है, तो वो आपकी होती है सॉटूथ, इस टाइप की वेवफॉर्म होती है कुछ, ये आपकी कौन सी है सॉटूथ की, ठीक है। तो ये आ गया हॉरिजेंटल यानी वी एक्स, और ये आपका हो गया टाइम पीरियड। तो ये कैसी वेव आपकी सॉटूथ, क्लियर है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सप्लाई आप देते हो।
अब देखो जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है इसमें आप देते हो साइनोसॉइडल सप्लाई, तो साइनोसॉइडल मतलब इस टाइप की, क्लियर है? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर दीजिए। साइनोसॉइडल सप्लाई आप वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में देते हो, क्लियर है? तो सॉ टूथ समझ गए, वर्टिकल समझ गए, यहाँ तक क्लियर है आपका? तो देखो अब इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो एक आप है ना सिंक्रोनाइजिंग सर्किट लगाते हो हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में, ये आपकी हो गई हॉरिजेंटल यानी ये आपकी हो गई वर्टिकल, क्लियर है? इन दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजिंग सर्किट लग रखा होता है, सिंक्रोनाइजिंग सिंक्रोनाइजिंग सर्किट, क्लियर है? अब देखो एक होता है ब्लिंकिंग सर्किट, ये बेसिकली क्या होता है कि देखो या ब्लिंकिंग सर्किट आपका हॉरिजेंटल प्लेट और जो इलेक्ट्रॉन गन है इनके बीच में लग रखा होता है। इसमें क्या होता है देखो जैसे सॉटूथ आपकी सप्लाई देखो जीरो पे पहुंचती है ना, तब जो आपका ब्लिंकिंग सर्किट होता है वो ब्लैंक आउट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे आपका एक ये इलेक्ट्रॉन गन और आपकी जो हॉरिजेंटल प्लेट है यानी हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ठीक है, इनके बीच में एक लग रखता है ब्लिंकिंग सर्किट, क्लियर है? तो आपको ये भी पूछा जाता है कि आप ब्लिंकिंग सर्किट को किसके बीच में कनेक्ट करते हो, तो वो आपका आंसर क्या होगा, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड इलेक्ट्रॉन गन, क्लियर है? तो देखो इनका एक बार मतलब समझाता हूँ मैं आपको, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ठीक है? तो देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन की गन जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो आ रही है वेव फॉर्म, तो बेसिकली इसमें क्या है, ये हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या करती है, वो जो वेव फॉर्म है उसको ना या तो क्या करेगी राइट साइड शिफ्ट करेगी या फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगी, यानी हॉरिजेंटल एक्सिस पे शिफ्ट करेगी, यानी कि देखो तो देखो ये आपकी कौन सी होती है हॉरिजेंटल, ठीक है, ये आपकी होती है वर्टिकल। तो देखो जो हॉरिजेंटल रिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या करेगी, वो ये वाली जो एक्सिस है ना इसके अक्रॉस उस वेव फॉर्म को यानी जो इलेक्ट्रॉन है उनको लेफ्ट या राइट मूव करेगी, हॉरिजेंटल रिफ्लेक्टिंग प्लेट, क्लियर है? और वर्टिकल ऊपर और नीचे, ठीक है, ये होगा वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट का काम। तो ये तो देखो बेसिक सर्किट हो गया, जो कैथोड रे ट्यूब होती है उसमें, ठीक है, सीआरओ में। तो अब देखो इससे रिलेटेड जो बेसिक्स क्वेश्चंस जो होते हैं वो देख लेते हैं। अब देखो इसके जो मेन मेन पार्ट कौन से हो गए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गन जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इसमें जो देखो क्या पूछा जाता है, जो कैथोड ग्रिड है वो किसकी बनी होती है, वो मैंने आपको बताया निकल की, क्लियर है? सेकेंड देखो एक्सेलरेटिंग और फोकसिंग एनोड होता है या फिर जिनको प्लेट भी बोल सकते हो, क्लियर है? ये मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है कि एक्सेलरेट क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन जो आपने इलेक्ट्रॉन गन ने जो एमिट करवाए उनकी स्पीड्स को एक्सेलरेट करता है, फोकसिंग क्या करता है उनको फोकस करवाता है, क्लियर है? बिकॉज कहीं भी रैंडमली वो जा सकते हैं स्पीड एकदम तेज करने के बाद, तो उनको एक पर्टिकुलर स्पेस में फोकस किया जाता है, क्लियर है? और देखो हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या करती है, तो हॉरिजेंटल तो क्या करेगी देख सकते हो, जो आपकी बीम है यानी जो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है उसको क्या करेगी, या तो राइट साइड शिफ्ट करेगी या फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगी, शिफ्ट यानी डिफ्लेक्ट, ठीक है? और जब वर्टिकल की जब बात होगी वो या तो अपवर्ड करेगी यानी ऊपर या फिर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है? और जो देखो फॉस्फोरस फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, ये मैंने बताया था कि जो आपकी स्क्रीन है उसको हम फॉस्फोरस से कोटिंग करते हैं। अब देखो ये किस लिए करते हैं, बिकॉज देखो जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो देखो उनमें क्या है इतना सारा, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कॉलिजन हुआ, आपने हीटर यूज किया, तो उन इलेक्ट्रॉन्स में बहुत सारी क्या है हीट एनर्जी है, ठीक है? तो फॉस्फोरस क्या करता है उस हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, यानी जो इनपुट की जो वेव फॉर्म है वो आपको ग्राफिकल में उसकी जो स्क्रीन है उस पर शो करता है, ठीक है? अब ये जो जितने भी सीआरओ है इन सबको हमने फॉस्फोरस कोटिंग के बेस पे डिवाइड कर रखा है, यानी जैसे देखो कलरफुल सीआरओ हो सकता है यानी जो कलर्ड एकदम वेव फॉर्म देगा, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में हो सकता है, ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करने वाला हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर रखे हैं जो चीज आपको पूछी जाती है। तो देखो अगर आप यूज कर रहे हो फॉस्फोरस P11, ये फॉस्फोरस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, अगर P11 यूज कर रहे हो इसका मतलब वो क्या है जनरल पर्पज सीआरओ, क्लियर है? अगर P4 यूज कर रहे हो तो ब्लैक एंड व्हाइट, P6 यानी कलर्ड, P15 यानी सैम्पलिंग सीआरओ, P31 यानी स्टोरेज सीआरओ, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? तो आगे देखते हैं, अभी कुछ है ना बेसिक्स तो समझ गए आप सीआरओ का, क्लियर है? जो जो मेन उसके पार्ट्स होते हैं क्या काम करता है वगैरह। अब देखो इनसे सीधे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी एक पॉइंट लिया उस पॉइंट से सीधा क्वेश्चन पूछा गया, यानी जो की पॉइंट्स इसके सीआरओ के, ठीक है, वो देखते हैं।
सो देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सीआरओ क्या है, डिजिटल या फिर बोल सकते हो लीनियर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, यानी कि ये पावर को मेजर नहीं करता, बिकॉज पावर क्या है, नॉन लीनियर है, क्लियर है। सीआरओ क्या क्या मेजर करता है, देखो आरएमएस वैल्यू, एवरेज एंड पीक टू पीक। अब देखो इसमें रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, वेवफॉर्म ऐसी होगी, आपने ये निकाल दिया था, ठीक है। तो अगर आपने देखो पीक टू पीक निकाल दिया, तो साइन वेव का डायरेक्ट आप आरएमएस निकाल सकते हो, क्लियर है, और इसकी एवरेज वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। सीआरओ डज नॉट मेजर पावर बिकॉज पावर इज नॉन लीनियर, ठीक है, बिकॉज पावर आपकी लीनियर नहीं है। अब देखो एक हीटर यूज करते हो, ये मैंने आपको बता दिया, कैथोड ग्रिड किससे बनी होती है, निकल की, ये भी मैंने आपको बताया। अब देखो ये चीज देख लो, जो आपकी कैथोड ग्रिड है ना, जो मैंने बताई थी कैथोड ग्रिड, ठीक है, उस पर ना एक हम लेयर लगाते हैं बेरियम स्ट्रॉन्टियम ऑक्साइड की, क्लियर है, उस पर डिपोजिट कर रखी होती है। जैसे देखो ये आपकी इलेक्ट्रॉन गन थी, ठीक है, यहाँ पे आपकी कैथोड ग्रिड थी, तो इसमें ना एक है ना ऐसी की लेयर लगा रखी होती है बेरियम स्ट्रॉन्टियम ऑक्साइड की। बेसिकली ये अपने को हेल्प करती है कि जो ये हीटर इलेक्ट्रॉन गन है, ये जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा ना, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। ये बेरियम स्ट्रॉन्टियम ऑक्साइड, ये बेसिकली हाई एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हीटिंग, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज होंगे, ठीक है, इसकी मदद से। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। अब देखो ये जो 3 पॉइंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी देखो जो सीआरओ होता है, आपको पूछा जाता है कि सीआरओ में हम कौन सी फोकसिंग यूज करते हैं, क्लियर है। तो देखो वो आपकी होती है इलेक्ट्रो स्टैटिक फोकसिंग, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो उसके लिए आप कौन सी फोकसिंग यूज करोगे, इलेक्ट्रो स्टैटिक, क्लियर है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड देखो, जो आपके घर पे टेलीविजन होता है यानी टीवी, उसमें आपकी कौन सी फोकसिंग होती है, दोनों होती है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होती है, दोनों फोकसिंग आपके टीवी में यूज होती है, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड, ये गड़बड़ हो गई, टेलीविजन में देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग यूज होती है, और कंप्यूटर में आपकी दोनों होती है, यानी आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होती है एंड इलेक्ट्रो फोकसिंग भी होती है, क्लियर है। तो देखो ये वाला पॉइंट पढ़ो, बाय द यूज ऑफ फॉस्फोरस कोटिंग हीट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सीआरओ में क्या होता है, देखो जो प्री एक्सेलरेटिंग, ठीक है, फोकसिंग और एक्सेलरेटिंग, 3 प्लेट मैंने बताई थी, ठीक है, इनके अलावा थी एक तो हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, ठीक है, जो जो प्री एक्सेलरेटिंग, फोकसिंग और एक्सेलरेटिंग है, यहाँ पे एक डबल कॉनकेव लेंस की तरह काम करती है, डबल कॉनकेव लेंस की तरह, क्लियर है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट देखो, अ हॉरिजेंटल रिफ्रेक्टिंग प्लेट आर प्लेस इन वर्टिकल पोजिशन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब आप हॉरिजेंटल वर्टिकल प्लेट की बात करते हो, तो आप उनको कौन किस मतलब कैसे रखते हो, उनको वर्टिकल पोजिशन में, क्लियर है। जब आप वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट की बात करोगे, तो उनको कैसे रखोगे, हॉरिजेंटल पोजिशन में, ठीक है ना, इनका उल्टा है नाम, जैसे क्या है हॉरिजेंटल, तो उसको रखेंगे वर्टिकल पोजिशन में, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग यानी उसको रखेंगे हॉरिजेंटल पोजिशन में, क्लियर है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं, देखो जो ये मैंने आपको बताया, देखो जो आपकी वर्टिकल प्लेट है उसके आप देते हो सैटेलाइट सप्लाई, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टिंग प्लेट है, ठीक है, उसके आप कौन सी देते हो, सॉटूथ सप्लाई, क्लियर है। अब देखो ये भी मैंने आपको बताया, जो ब्लिंकिंग सर्किट है कहाँ कनेक्ट होता है, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड इलेक्ट्रॉन गन के बीच में, ठीक है। अब जो कि क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिट्रेस, मतलब बेसिकली जब आपका जो सॉटूथ वेव है, ठीक है, वो जब 0 होती है ना, तब वो क्या करता है, ब्लैंक आउट कर देता है, ठीक है, ये आपका ब्लिंकिंग सर्किट होता है। देखो जो जो मैंने आपको ओरली बताई चीजें, वो सारी मैंने आपको लिखवा भी दी, क्लियर, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए आगे देखते हैं, अब देखो आपके आगे है लिजाजोस पैटर्न, पैटर्न सॉरी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको आपको भी छोड़ के मत जाइए, इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली देखो ये होता क्या है, आपने 2 प्लेट पढ़ी, हॉरिजेंटल प्लेट एंड डिफ्लेक्टिंग प्लेट, क्लियर है। अब आपने इतना समझ लिया कि हॉरिजेंटल में हम देते हैं सॉटूथ सप्लाई, ठीक है, वर्टिकल में हम देते हैं साइनसॉइडल सप्लाई, साइनसॉइडल, क्लियर है। तो देखो हम ऐसा करें कि साइनसॉइडल सप्लाई जो होती है वो हम हॉरिजेंटल में भी दे और वर्टिकल में भी दे, तब आपको जो पैटर्न मिलेगा ना स्क्रीन पे, वो आपको मिलेगा लिजाजोस पैटर्न, क्लियर है। तो देखो कैसे ऑप्टन कर सकते हो लिजाजोस पैटर्न को, जब आप साइनसॉइडल सप्लाई दोगे दोनों प्लेट्स को, क्लियर है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो देखो एक है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, एक है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, क्लियर है। तो इसमें देखो जब आप दोनों को ही क्या दोगे, साइनसॉइडल सप्लाई दोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, लिजाजोस पैटर्न, क्लियर है। तो देखो ये हेल्प क्या करता है अपने को,
बेसिकली इस पैटर्न से आप ना फ्रीक्वेंसी रेशियो निकाल सकते हो, क्लियर है? यानी जो हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी है और जो वर्टिकल फ्रीक्वेंसी है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है? और जो फेज शिफ्ट होता है यानी फेज डिफरेंस वो निकाल सकते हो, ठीक है? तो इट इज यूज टू कैलकुलेट फेज डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी रेशियो, ठीक है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो देखो, आप ये तो समझ गए कि ये लिजाजोस पैटर्न आपको कैसे मिलता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में जब साइनोसॉइडल सप्लाई देते हो, ठीक है? तो इसके बेसिस पे देखो हमने कुछ डिवाइड कर रखे केसेस। जैसे सपोज करो कि आपने जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट में जो साइनोसॉइडल सप्लाई दी और जो हॉरिजॉन्टल में दी, ठीक है, उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, तो आपको कैसी वेव फॉर्म मिलेगी वो आपको एग्जाम में एग्जामिनर बेसिकली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? सपोज करो दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तब पूछता है क्या है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस, जो इंपॉर्टेंट केसेस जो बनते हैं आपको जो पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। सो देखो, जो फर्स्ट केस आपका आता है ना, उसमें क्या होता है कि जो आपका हॉरिजेंटल पे जो सप्लाई दे रहे हो और जो वर्टिकल पे जो साइनोसॉइडल सप्लाई दे रहे हो, उन दोनों के फेज बीच में फेज डिफरेंस क्या है, 0 डिग्री, ठीक है? तो देखो, जब आपका फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा, तो देखो ये आपका हॉरिजेंटल वाला वी एक्स और ये आपका वर्टिकल वाला वी आई, ठीक है? तो देखो दोनों इक्वेशन आप देख सकते हो, दोनों के बीच में आपका फेज डिफरेंस क्या है, 0 डिग्री, क्लियर है? तो देखो जब आप इसकी वेव फॉर्म बनाओगे तो ये तो बनेगी देखो हॉरिजेंटल की साइनोसॉइडल या आपकी वर्टिकल की, ठीक है? अब देखो इन दोनों के अकॉर्डिंग जो आपकी स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है ना, ये आपकी हुई स्क्रीन। तो देखो जो स्क्रीन पे जो वेव फॉर्म बनेगी, देखो किस टाइप की बनेगी, एक एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है? तो आपको कुछ इतना इतना कुछ नहीं करना, ठीक है, डायग्राम वायग्राम बनाना वगैरह। आप सिंपल इतना याद रखो कि जब भी आपका फेज डिफरेंस 0 है, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और वो भी कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड थर्ड में। आप देख सकते हो ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, क्लियर है? तो ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टार भी लिखवा रखे, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? अब देखो सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड क्या हो सकता है, देखो 0 डिग्री का आपने देख लिया, अब क्या हो सकता है कि आप जो हॉरिजेंटल में दे रहे हो और वर्टिकल में दे रहे हो, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तब क्या होगा? तो देखो आप पहले इक्वेशन देखो इनकी, हॉरिजेंटल की इक्वेशन क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, वर्टिकल की क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेज डिफरेंस कितने का हो गया, 180 डिग्री। इवन आप इसकी वेव फॉर्म में भी देख सकते हो, ये साइनोसॉइडल वाली वेव फॉर्म, ये आपकी साइनोसॉइडल 180 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ, क्लियर है? यानी जो वर्टिकल प्लेट में आप दे रहे हो और ये आपकी हॉरिजेंटल प्लेट में दे रहे हो, तो इस केस में भी आपको जो मिलेगी स्क्रीन पे जो वेव फॉर्म आएगी वो कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन, आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन बन रही है एक, क्लियर है? तो आपको भी क्या मिलेगी, इस बार भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ से आप क्या समझे कि जब भी आपके पास 0 डिग्री फेज डिफरेंस है या फिर 180 डिग्री फेज डिफरेंस है, तब दोनों ही केस में आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पूछी जाती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो इनको आप नोट लगा के लिख लो, क्लियर है? तो देखो अब तीसरा केस क्या हो सकता है उसको देखते हैं। अब देखो आपने 0 डिग्री पे देख लिया, 180 डिग्री पे देख लिया, अब क्या हो सकता है, या तो ऐसा होगा कि आप जो हॉरिजेंटल में जो सप्लाई दे रहे हो, यानी जो साइनोसॉइडल हॉरिजेंटल में सप्लाई दे रहे हो, वो आपकी वर्टिकल में जो दे रहे हो उससे लैग कर रही है, ऐसा हो सकता है, या फिर जो वर्टिकल में दे रहे हो वो लैग कर रही है हॉरिजेंटल से। ये दो केस और बन सकते हैं, क्लियर है? तो देखो थर्ड केस देखते हैं। तो देखो थर्ड केस में क्या है, आपका जो वर्टिकल वाला वोल्टेज है, वर्टिकल पे जो साइनोसॉइडल सप्लाई दे रहे हो यानी वी वाई, वो लैग कर रही है वी एक्स से, यानी जो हॉरिजेंटल में दे रहे हो, तो लैग कर रही है कितने, 90 डिग्री से, क्लियर है? तो यहां से आप क्या समझे कि जब भी फाई की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री, ठीक है? तो देखो इस केस में ये हो गई हॉरिजेंटल, ये हो गई वर्टिकल, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, ठीक है? यानी आपको स्क्रीन पे एक सर्कल बना हुआ मिलेगा, क्लियर है? अब यहाँ पे देख भी सकते हो सर्कल किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का तो आपको बहुत रेयर चांस है डायरेक्शन का नहीं पूछता, बस ये पूछता है कि जब फेज डिफरेंस हो तब आपको स्क्रीन पे कैसी वेव फॉर्म मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, वेव फॉर्म, ट्रेपेजॉइडल, इस टाइप में। तो आप क्या बोलोगे, एक सर्कल मिलेगा आपको, क्लियर है? तो ये तो कौन सा केस हो गया, जब आपका वी वाई लैग कर रहा है 90 डिग्री से वी एक्स के ऊपर में, ठीक है? यानी कि अगर आपका ये आपका वी एक्स है, ठीक है, तो वी वाई कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है, यानी 90 डिग्री पीछे। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका ये हो जाए वी एक्स एंड ये आपका हो जाए वी वाई, यानी इस केस में क्या हो गया कि जो वी वी एक्स है ये 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो अगला केस क्या हो जाएगा, ये वाला। तो देखो अगला केस क्या हो जाएगा, जब आपका जो हॉरिजेंटल पे जो सप्लाई दे रहे हो वो आपकी लैग कर रही है 90 डिग्री से, ठीक है, 90 डिग्री लैग कर रही है वी वाई से, क्लियर है? तो इसकी वेवफॉर्म से भी आप देख सकते हो
ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें भी क्या बनेगा, आपको एक सर्कल मिलेगा, क्लियर है। बट इस इसमें जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, ACW यानी एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। डायरेक्ट ये चीज आपको पूछी जाएगी। तो देखो जब भी आपको ऐसा बोले, सपोज इसने बोल दिया कि आप जो सप्लाई दे रहे हो उनके फेज डिफरेंस है बीच में 80 डिग्री, ठीक है, ऐसा पूछ ले, तो आप कौन सा जो स्क्रीन पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, एक सर्कल, ठीक है, यानी कि 75 से लेके 90 डिग्री तक, ठीक है, 75 से लेके 90 डिग्री तक अगर फेज डिफरेंस हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक सर्कल। और अगर 0 हो या फिर 180 डिग्री हो तो आपको मिलेगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए, इतनी सी, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये तो आप पैटर्न समझ गए, ठीक है, जो लिजर्स पैटर्न होता है इसमें। तो ये आपने क्या निकाला यहाँ पे कि कैसा आपको स्क्रीन पे पैटर्न वगैरह मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरा मैंने बताया था कि आप इससे फ्रीक्वेंसी रेशियो भी निकाल सकते हो, ठीक है, इसकी मदद से। तो देखो फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या होता है और वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो देखो हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी रेशियो, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, इसका सिंपल ये वाला फॉर्मूला देखो, FX डिवाइड बाय FY। देखो ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या हो गया, एक फ्रीक्वेंसी रेशियो, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होगा, हॉरिजेंटल, वाई का मतलब वर्टिकल, यानी दो प्लेट पड़ी थी ना, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। तो देखो ये रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ टेंजेंट और नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या नंबर ऑफ हॉरिजेंटल टेंजेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो FX क्या है, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो F है, FX, ठीक है। तो इस केस में आप कौन सी नंबर ऑफ लेंगे, वर्टिकल टेंजेंट लोगे, ठीक है। जब आप वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट की बात करोगे तो हॉरिजेंटल टेंजेंट लोगे, क्लियर है। और FF और FI के आपके फ्रीक्वेंसी है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट की और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट की, क्लियर है। तो देखो FX आपका क्या हो गया, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्टिंग प्लेट फ्रीक्वेंसी, एंड FY आपका हो गया वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट फ्रीक्वेंसी। तो देखो इसमें अब जो मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ टेंजेंट आपको निकालनी पड़ेगी ना, तो ये टेंजेंट वगैरह क्या होती है, देखो इसको एक एग्जांपल से समझते सीधे। तो देखो सपोज आपके पास जो स्क्रीन है उसको कुछ इस टाइप की आपको कुछ वेवफॉर्म मिल रही है, ये कुछ इस टाइप की आपको वेवफॉर्म मिल रही है, ठीक है, स्क्रीन पे। तो अब इसमें बोल दिया कि आप इसके लिए, इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म के लिए फ्रीक्वेंसी रेशियो निकालो। तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले सिंपल एक लाइन खींचो, ऐसी वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, वर्टिकल लाइन होगी, बिकॉज वर्टिकल ऐसे ही तो खींचते हैं। तो ये आपकी क्या है, एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब देखो सिंस ये वर्टिकल लाइन है तो ये आपको क्या देंगे, वर्टिकल टेंजेंट देंगे, वर्टिकल टेंजेंट। तो देखो ये एक पॉइंट यहाँ पे ये कट कर रहा है इस वेवफॉर्म को, और यहाँ पे एक वेवफॉर्म कट कर रहा है, ठीक है। तो कितने पॉइंट हो गए, 1 और 2। तो यहां से आप क्या समझे कि जो आपके वर्टिकल टेंजेंट हो गए वो कितने हो गए, 2, यानी कि वर्टिकल टेंजेंट आपके हो जाएंगे 2, ठीक है। अब देखो हॉरिजेंटल के लिए क्या करोगे, आप हॉरिजेंटल वाली लाइन खींचोगे। तो देखो एक लाइन खींचते हैं, यहाँ आपने लाइन खींची, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, एंड यहाँ पे कट कर रहा है, कितनी जगह टोटल कट रहा है, 3 जगह, ठीक है। तो यहाँ से हॉरिजेंटल टेंजेंट कितने मिले, 3। तो बेसिकली ये आपने देखो सबसे पहले आपने क्या किया, एक हॉरिजेंटल लाइन खींची, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन आपको क्या देंगे, हॉरिजेंटल टेंजेंट देंगे, हॉरिजेंटल टेंजेंट, क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, तो यहां से आपको मिल गए हॉरिजेंटल टेंजेंट 3, ठीक है। तो अब देखो फ्रीक्वेंसी रेशियो निकालना है, यानी FX डिवाइडेड बाय FY, कितना आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंट कितने हैं, 2, नंबर ऑफ हॉरिजेंटल टेंजेंट कितने हैं, 3। तो 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, यानी किसी भी वेवफॉर्म के अगर आपको फ्रीक्वेंसी रेशियो निकालने को बोले तो ऐसे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजेंटल लाइन खींच के आप उसके निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी रेशियो इजीली, ठीक है। तो देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म के लिए फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल एक वर्टिकल लाइन खींचो, तो देखो ये मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच ली, ठीक है, ये मेरी कौन सी लाइन हो गई, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब वर्टिकल लाइन आपको क्या देगी, वर्टिकल टेंजेंट। तो इसमें देखो टेंजेंट कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो यहां से आपको पता चला कि जो वर्टिकल टेंजेंट है, वर्टिकल टेंजेंट कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। देखो हॉरिजेंटल के लिए हॉरिजेंटल लाइन खींचो, देखो ये मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन खींच ली, ये आपकी क्या है, एक हॉरिजेंटल
लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब इसमें कहाँ का कट करा, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितने दो जगह कट किया ना, तो ये आपके हुए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट इक्वल्स टू टू। तो यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी रेशियो कितना आया, एफ एक्स बाय एफ वाई। तो देखो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंट यानी 6 डिवाइड बाय नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट यानी 2, तो ये आपको मिल गया 3। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गए, अब देखो जो क्वेश्चन एक्चुअल में जो पूछा जाता है वो देखते हैं। इफ द गिवन वेव फॉर्म इज रिफ्लेक्टिंग ऑन सीआरओ स्क्रीन एंड हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टिंग प्लेट फ्रीक्वेंसी इज 1000 हर्ट्ज एंड फाइंड द वर्टिकल रिफ्लेक्टिंग प्लेट फ्रीक्वेंसी। इसलिए देखो इसमें ये वेव फॉर्म जो बनाई मैंने यहाँ पे अभी बना लेता हूँ। देखो ये कुछ इस टाइप में दे रखी है आपको वेव फॉर्म, ये कुछ इस टाइप में आपको ये वेव फॉर्म दे रखी है ठीक है स्क्रीन पे, यानी जो सीआरओ की स्क्रीन है उस पर ये ऐसी एक वेव फॉर्म बना रखी है, ऐसी आई है आपको सीआरओ की स्क्रीन पे ये वेव फॉर्म मिली है ठीक है। अब इसने बोल दिया कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी है यानी एफ एक्स कितनी दे दी आपको, बोला कि 1000 हर्ट्ज है। तो आप ये बताइए जो एफ वाई होगी यानी जो वर्टिकल फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, आप ये बताइए। क्लियर है, तो देखो सिंपल पहले क्या कर रही है, नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंट निकालिए, तो वर्टिकल लाइन खींचिए एक, तो ये मैंने एक लाइन खींच ली ठीक है, ये कौन सी लाइन होगी आपकी, वर्टिकल लाइन ठीक है। तो वर्टिकल लाइन है तो क्या देंगे ये वर्टिकल टेंजेंट, तो कितने हो गए 1 एंड 2। तो यहां से आपको पता चला कि जो वर्टिकल टेंजेंट है, वर्टिकल टेंजेंट आपको मिल गई 2 ठीक है। अब हॉरिजेंटल की बात आ रही है, तो एक हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं, तो देखो ये एक हॉरिजेंटल लाइन खींच रहा हूं मैं, तो देखो ये आपकी कौन सी होगी, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। तो देखो इसमें एक यहाँ पे कट गया, 1 2 3 4 5 एंड 6 ठीक है, कितने हो गए इसके 6, यानी कि जो आपके हॉरिजेंटल टेंजेंट है, हॉरिजेंटल टेंजेंट वो आपके हो गए 6। तो आपको ये पता है कि जो एफ एक्स डिवाइड बाय एफ वाई क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ हॉरिजेंटल टेंजेंट, तो ये आपको मिला 1/3। तो आपको एफ एक्स तो दे रखा है, आपको एफ वाई निकालना है, तो यहाँ से आप देखो इजीली निकाल सकते हो, एफ वाई कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स कितना है 1000, तो एफ आई हो जाएगा 3000 हर्ट्ज ठीक। तो आपको फ्रीक्वेंसी क्या मिली 3000 हर्ट्स। तो इस टाइप आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए आगे देखते हैं, अब देखो आगे आपका आता है कि डिफ्लेक्टिंग फैक्टर क्या होता है, बेसिकली इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसका फॉर्मूला आप याद रख लो वो भी बहुत है। देखो इसमें होता क्या है, सिंपल सा कुछ, देखो ये आपकी डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है ठीक है सीआरओ में, क्लियर है। देखो ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन होती है ना जिसपे फॉस्फोरस की कोटिंग कोटिंग कर रखी होती है वो वाली स्क्रीन ठीक है। अब इसमें देखो बेसिकली क्या होता है इसमें, तो ये देखो ये जो प्लेट थी इसने डिफ्लेक्ट कर दिया, और ये हो गई आपकी डी डिस्टेंस ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे आपके बेसिकली ये यहाँ पे बेसिकली वेव फॉर्म बन रही है ठीक है स्क्रीन पे। तो ये वाली जो लेंथ है नीचे स्क्रीन तक, ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट से जो लेंथ है ये आपकी हो गई कैपिटल एल ठीक है, और ये जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट है इसकी जो बेसिकली लेंथ है ये आपकी है स्मॉल एल और नीचे में डी ठीक है, एल डी यानी डिफ्लेक्टिंग प्लेट की लेंथ, और जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट है दोनों ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाली, ये आपकी स्मॉल डी। क्लियर है यहाँ तक, तो देखो ये जो प्लेट्स है यहाँ पे आप वोल्टेज देते हो ना, बताया था मैंने रेजिस्टेंस के थ्रू ठीक है, वो आपका कौन सा होता है, डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज, डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज यानी देखो एक साइनोसॉइडल सप्लाई बोली थी मैंने, एक बोला था सॉ टूथ सप्लाई, यानी जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट डिफरेंट डिफरेंट बताई थी ठीक है, उसमें जो सप्लाई देते हो, तो ये आपकी हो जाएगी वी डी, और यहाँ पे है वी ए यानी एनोड वोल्टेज, एनोड वोल्टेज वी ए, क्लियर है। तो यानी इसमें क्या पूछता है कि डिफ्लेक्टिंग फैक्टर का मतलब ये जो डिफ्लेक्शन हुआ ना इसका, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इलेक्ट्रॉन गन से ठीक है, तो वो कितने डिफ्लेक्टिव है वो पूछा जाता है। तो देखो यहाँ से डिफ्लेक्टिंग फैक्टर डी का जो फॉर्मूला निकलता है एंड में वो आपका आता है, देखो कैपिटल एल इंटू एल डी इंटू वी डी डिवाइडेड बाय आर
डिवाइडेड बाय 2 डी वी ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना, बस ये एक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। और देखो, जब सीआरओ की सेंसिटिविटी की बात करते हो, यानी सीआरओ सेंसिटिविटी, ठीक है, जो सीआरओ की सेंसिटिविटी होती है वो बेसिकली, देखो उसका फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्टिंग फैक्टर यानी डी डिवाइडेड बाय एनोड वोल्टेज, क्लियर है। और देखो ये तो हो गई सीआरओ की सेंसिटिविटी, अब देखो जो डिफ्लेक्शन की जो सेंसिटिविटी है, ठीक है, यानी जो डिफ्लेक्शन हुआ ना उसकी भी सेंसिटिविटी होती है, तो वो देखो उसका भी फॉर्मूला देख लो, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, डी अपॉन वी डी, ठीक है। तो बस डिफ्लेक्टिंग फैक्टर से फॉर्मूले याद रख लो तीन, ठीक है, बहुत है। बाकी जो जो मैंने देखो की पॉइंट बताए वो आपको याद रखने हैं, क्लियर है। एक लिजाजोस पैटर्न जो बताया वो याद रखना है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी रेशियो कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सीआरओ में बस इतना पढ़ लो, बहुत है, ज्यादा आपको डीप आने की जरूरत नहीं है सीआरओ में, ठीक है। जितने जितने मैंने पॉइंट्स बताए उन्हीं से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।